सोचिए आप किसी पब्लिक प्लेस पर परिवार के साथ बैठे हों और अचानक सामने पॉर्न वीडियो चलने लग जाए। सुनकर ही सकपक आ गए ना। लेकिन कुछ दिन पहले पटना रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही हुआ और 3 मिनट तक सबके सामने पॉर्न वीडियो चलती रही। इसके बाद देश भर में रेलवे स्टेशन पर हुई लापरवाही की चर्चा होती रही। स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए इससे असहज और क्या हो सकता है कि पब्लिक के बीच इस तरह की क्लिप चल जाए। वीडियो चला तो स्टेशन पर हंगामा हो गया, होना ही था। मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि पटना ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्विटर पर ट्रेंड करने की वजह से कोई बड़ी कार्रवाई हुई होगी, तो जनाब कार्रवाई तो रेलवे विभाग करेगा ही, लेकिन उससे बड़ी बात कि अब पटना रेलवे स्टेशन के चर्चे विदेश तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया यूजर्स को तो आप जानते ही हैं, वे किसी भी मामले पर चुटकी लेने से बाज नहीं आते। कोई भोजपुरी गानों की अश्लीलता की बात करते हुए क्लिप चलने पर बवाल करने पर ही हैरान था, तो कोई पटना जंक्शन को पटना हब लिख रहा था। कुछ लोग तो ये कहने लग गए कि ये इसलिए किया गया है ताकि सवारियों का ध्यान गाड़ी से हट जाए। कमेंट्स और रिएक्शन की रेस में एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने हैशटैग बिहार रेलवे स्टेशन टैग के साथ अपनी हॉट सी तस्वीर पोस्ट कर दी। बस इसके बाद तो रिएक्शन का दौर और भी तेज हो गया। इस पर यूजर्स ने लिखा, वहां चला वीडियो तुम्हारा था क्या? इस पर जवाब में केंड्रा ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि वो मेरा ही होगा। केंड्रा के कमेंट पर एक यूजर ने और लिख दिया, मैडम क्या परफॉर्मेंस थी, मैं कल तक आपके बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन पटना रेलवे स्टेशन पर था तो आपका वीडियो देखा। मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया, अब हम आपकी हर फिल्म देखते हैं। इसी तरह के तमाम रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों ने इस लापरवाही पर ऐसी चुटकियां ली कि जिस किसी से भी ये कांड हुआ होगा वह सोच में पड़ गया होगा। खैर, सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट से परे ये बहुत ही गंभीर लापरवाही थी, लेकिन विदेश के एक पॉर्न स्टार तक इसकी चर्चा पहुंचने से सोशल मीडिया यूजर्स के लिए मैटर और मजेदार हो गया। अब तो जो लोग पॉर्न स्टार केंड्रा लस्ट के बारे में जानते भी नहीं थे, वे उसके बारे में सर्च करने में लगे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जो लोग उस समय स्टेशन पर मौजूद थे उनमें से कुछ केंड्रा लस्ट की दूसरी पॉर्न वीडियो देखकर ये अनुमान लगाने में लगे हैं कि वो वीडियो केंड्रा लस्ट की थी या किसी और की। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के लिए तो ये बड़ा सवाल ही बन गया है कि वह पॉर्न वीडियो आखिर थी किसकी। केंड्रा लस्ट से हटकर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांच में ये बात सामने आई है कि जिस एजेंसी ने स्टेशन पर वीडियो चलाई थी उसके कर्मी खुद पॉर्न देख रहे थे। जब स्टेशन पर वीडियो चेंज करने का समय आया तो गलती से उनसे पॉर्न वीडियो ही चल गया। इस संबंध में जिम्मेदार एजेंसी दत्ता कम्युनिकेशन से फिलहाल एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया है और इस मामले में FIR भी दर्ज कराई गई है। दावा किया जा रहा है कि देश में लापरवाही का इस तरह का संभवतः ये पहला मामला है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी ऐसी और भी वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।